अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह सबको तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली जिंदगी दे। हाँ जी, ये क्या कि मैं निकली रहती हूँ हर वक्त घर से बाहर। जी, कुकिंग का चैनल था, कुकिंग भी चलती रहेगी साथ साथ में। कुकिंग बहुत कम हो गई है, घूमना फिरना ज्यादा हो गया हुआ है। तो आज मैं जा रही हूँ, आज भी था कि मेरे हस्बैंड की कंपनी की तरफ से ओपन डे इन्विटेशन था, तो फैमिलीज भी जा रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। मैं जाती हूँ, पिछले साल भी गई थी, तो पिछले साल बच्चे भी गए थे, उससे पिछले साल भी बच्चे, इस दफ़ा बच्चे बिल्कुल नहीं जा रहे। बच्चे कह रहे हैं हमने नहीं जाना, तो मैं तो इसलिए जा रही ज़्यादातर कि मुझे ये था घर से निकलूँ और धूप लूँ, सनलाइट जो है ना वो लेनी चाहिए। तो कल भी बड़ा बादल था, फिर धूप निकल गई, अज हूँ चंगी अच्छी खासी धूप लगी, दिल करता है हूँ धूप गई है, तो मैं इस बहाने की वजह तो ना जा रही हूँ। चलो बाहर निकलने का कोई बहाना तो मिल गया ना मनु, ते सनलाइट लागे खूब। ये देखें जी मौसम कितना अच्छा हो गया हुआ है, बहुत अच्छा हो गया हुआ है मौसम। ये देखें जी हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन है इस मौसम में, तो ये जो है ना दरख्त वगैरह सारे बहुत ग्रीन रहते हैं। जब गर्मी आएगी तो फिर ये बहुत कम हो जाएंगे, इस तरह बीच में से दरख्त जो है ना वो तो बिल्कुल सूख जाते हैं। ये देखें, और ये देखें जी नीचे ग्रास के साथ साथ ना येलो कलर के फूल भी हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, पहले नहीं होते थे ये, तकरीबन कोई 2 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं हमने देखे हैं ये फूल बहुत ज़्यादा। तो कौन कहता है कि सहरा दे विच हरियाली को नहीं जी, जिते जिते आबादी है उत्थे उत्थे सारा ग्रीन ही ग्रीन है, बहुत हरियाली है माशाला, बड़े दरख्त लगाए ने कुवैत ने। जी कितने सोने दरखत, बिच खजूरां दे दरखत भी ने, ते दूसरे दरखत भी ने, ग्रीन ही ग्रीन है, पहले ना बहुत ज्यादा ग्रीन कर दिता है उन्हें। देखो फूल मेरा ख्याल है येलो कलर के जो फूल है वो शायद नजर नहीं पैंदे, वो दूर ने जरा। बहार का मौसम चलता ना पिया, तो इस वास्ते ग्रीन ग्रीन है, देखो कितना सोहना ग्रीन ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं, पहले नहीं सी इन्हें प्लांट लगे हुए, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिते। एक वक्त आना है, लगना ही नहीं कि कोई इधर रेगिस्तान से। माशाल्लाह इधर सुने सुने दरख्त, बिच पुराने दरख्त भी नहीं, मिट्टी पाई है ना, तो नवी मिट्टी के नाल फिर बिच ना ग्रास फूल बड़ा कुछ है। पहले रोड के नाल मिट्टी मिट्टी होंगी थी सारी, दरख्त कोई कोई होंगे सब, हम फूल लग गए, हरियाली हो गई है बहुत ज़्यादा। ओ वेखो जी असं हूँ सिगनल ते आ खलोते, तो मैनू ना इतने फूल नज़र आ रहे सन, तो मैं क्या जरा थोड़ा व्यू तो दिखा रहे हैं तू। ये देखिए ये है फूल येलो कलर के, ये जो खिले हुए हैं हर तरफ है, अभी तो कम हो गए हैं, पहले पिछले महीने में तो बहुत ज़्यादा थे। असी ग्रेन आए हुए सर, तो इतने नमाज पढ़ के तो हूँ निकल आए, तो जा रहे हैं वापस एक ग्रेन मार्केट। अस हूँ जा रहे हैं उस साइड वाल जिथे इनविटेशन मिले है, तो वह भी सहरा च मैदान। देखो हूँ लोकेशन लभ लवेंगे जाके, उन्होंने देखे जी हाला फरवरी की खुशी में कोई का झंडा अलकुवैत। दो फ्लैग हैं, एक इनका ये रेड और तो दूसरा जो है ना वो ग्रीन ब्लैक वाइट कलर का और रेड। ये एसी चला लिया गाड़ी का माशाल्लाह, वाह वाह सनलाइट है इस टाइम, क्योंकि हूँ सूरज बिल्कुल दरमियान है, बाहर तो हवा भी चलती भी नाल, तो गाड़ी च बैठ के जरा गर्मी लगती भी। अच्छा जी कितना टाइम हो गया, सानू 20 मिनट हो गया ना तकरीबन निकले हुए। ये
इसी रोड से जाता है सऊदी अरब का बॉर्डर, कुवैत का बॉर्डर और सऊदी अरब का बॉर्डर जो है ना इसी रोड से जाता है। तकरीबन असं बॉर्डर के करीब ही पहुंच गए हैं, है ना। लो जी, एक घंटे का सफर तय करके असं तो हूँ इतों तक पहुंच ही गए हैं। होर मजीद मेरा ख्याल है कोई 15-20 मिनट लगन गए तो पहुंच जावे इंशाल्लाह। धूप बड़ी मजे की लगी, कड़ाकी कड़ाकी धूप, लेकिन नाल ठंडी हवा भी चलती है भाई। मैदानी एरिया आ गया, सहरा सारा। ये देखें जी छोटी सी झील, रास्ते च छोटी सारी झील भी आ गई है, उधर भी परा पानी दे इधर भी। लो जी आ गए असि इतने, आवे लो जी मैदान खाली, रास्ता देखो कैसा ते जा रहे हैं। पिछली दफा भी ना रास्ता से भूल गए थे, आगे निकल गए थे, फिर दोबारा मुड़ के आए सा, हूँ फिर वही हिसाब है। हूँ तो अस नज़दीक ही कोल ही सा, थोड़ी रिवर्स करके गड्डी तो वापस आ गया। लो जी ओह टंट लगा है, देखो जी मिट्टी दी ढेरियां ला के तो सिग्नल बनाए हैं। कच्चा रोड की बात, बच्चों वास्ते झूले भी लाए होंगे ने, तो पर मेरा क्यूट नहीं आया होया, वो पाकिस्तान इंजॉय करता पाया। गाड़ियां भी होनी, तुम मनु भी अभी नाल लै आंदा, मेरा भी नहीं सेट हो गया मूड, मैं बस सनलाइट की वजह तो आई हूँ। कोई नहीं, खास गड़ियां नहीं आई हुई ना ही, कोई नहीं ज्यादा लोग नहीं, कुछ भी नहीं। ले जी आ गए असि हूं, हवा बड़ी तेज चलती पी, मौसम बड़ा ही मजेदार है। लो जी कुवैत का फ्लैग, काइट चढ़ाई, बच्चों के झूले भी लगे ना, उधर सारा ए देखो जी इतने टेनिस भी रखी, टेबल टेनिस भी खेलते पे। लो जी मैं तो चली हूँ टेंट च, बिरयानी बिरयानी पसीनी दिलवाजमात नाल है। पिछली दफा तिक्के कबाब सन ना कच्चे कच्चे, और जल्दी जल्दी ना बनाए थे, मिन्ट बिल्कुल सही मिले थे, खाने वाले बहुत ज्यादा सन, तो फिर बनाते गए जल्दी जल्दी। खाना खा लिया, लो जी खेल दे रहे पे थे, देखें जी शवारमा बन रहा है। ये देखें जी यहाँ पर बच्चों को नाम दिया जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं यहाँ पर। बच्चों की गेम करवाने लगे हैं इधर। प्राइज विन कर लिया, दिखाओ मुझे भी। ये देखें जी इस बच्चे ने भी
विन कर लिया है, इसको भी मिल गया प्राइस। देखे जी जिसने गेम करवाई है वो खुद भी कर रहा है, लगे हुए हैं। चेयर चलता पिया बच्चों का, वड्डियां का, सारिया का। म्यूजिकल चेयर भी हो रही है, कौन जीता कौन हारता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं एक बात बता रही हूँ कि हम उमरा करने के लिए गए हुए थे, तो उमरा करके जब आए तो थोड़े ही दिनों बाद हमें ये इनविटेशन मिल गया, तो हम यहाँ आए, मैंने वीडियो बना ली। तो यहाँ लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, खेल भी रहे थे, ज़्यादा सारे कंपनी के वर्कर्स होते हैं, तो साथ में जो कंपनी के मालिक होते हैं वो भी आए होते हैं। तो ये साल हर साल में पार्टी होती, पिछले साल भी हम गए थे तो मैंने व्लॉग बनाया था, वो मेरे से डिलीट हो गया था। तो मैंने ख्याल किया कि चलो ये व्लॉग जो है ना ये बना लेती हूँ, ये भी मैं अपलोड कर दूँगी। जी खुला मैदान मुझे मिल गया ड्राइव करने के लिए, ऐवी बस ड्राइव करने वास्ते ना मैं, तो मैं ना आखिया चल थोड़ी सी ड्राइव कर लाँ। मेरे नाल ना एक मेरी दोस्त भी बैठी हुई है, तो वो फर्स्ट टाइम बैठी है, तो हूँ ना मैं क्या चलो थोड़ा सा ड्राइव का दसा। वह कहते मैनू ना शौक है बड़ा, तो मैं भी थोड़ा सा दस दौ। अच्छा जी, तो मैं हम इतने वीडियो थोड़ी बंद करनी है, तो मैं थोड़ा कुछ दसा। असी ना उतो जिते पार्टी भी चलती है ना उतो थोड़ा निकल आया दूर, और देखो जी ओ वे सारे ठीक हो गया। मैं एक हथ ना ड्राइव कर रही हूँ, तो एक हथ ना वीडियो बना रही हूँ। फायर वर्कस का टाइम हो गया, तो ये अभी चल रहा है पार्टी जो हो रही है उसका, तो मैं आ गई हूँ। हम लोग अब जाने लगे हैं क्योंकि इशा की नमाज का टाइम करीब हो रहा है, हमने सोचा कि हम अभी चलते हैं वापस, क्योंकि ये तो प्रोग्राम इनकम रखा है रात 12 बजे तक चलेगा, हम तो नहीं रुक सकते। तो मैं आके गाड़ी में बैठी हूँ, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ ताकि वो आ जाए। अच्छा जी, पिछली दफ़ा जो पार्टी हुई थी ना उसका बहुत मज़ा आया था, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा आए हुए थे लोग। जी असं हम वापस जा रहे हैं, फहील ये फहील है। अच्छा जी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और लाइक भी करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।